मुझे लगता है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे गेम ऑफ स्किल की और गेम ऑफ चांस की, इसके लिए अगर कोई एसआरबी बनती है तो उसमें अगर आप जज के रूप में देखें तो इसमें क्या रास्ता हो सकता है? इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र के लोगों को इसमें शामिल होना पड़ेगा। पर इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बूंद बूंद से सागर भरेगा। अगर हर क्षेत्र की एक्सपर्टीज उसमें शामिल होगी तो ही हम उसको ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। जहाँ एक इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है, एरिया है, जहाँ की रेवेन्यू भले बहुत जनरेट हो लेकिन हमारी आगे की जनरेशन्स को गैम्बलिंग की आदत ना लगे, उसको बचाते हुए इसको स्किल के अंदर कैसे लगे, बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है कि गवर्नमेंट का जो भी डिपार्टमेंट होगा, स्पोर्ट्स और वो जो इसको सुपरवाइज करेगी, उसमें अगर स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जिसमें हर क्षेत्र जैसे कुछ लीगल एक्सपर्ट्स होंगे, आईटी के लोग होंगे, जैसा पिछले दिनों हमने कहा कुछ लॉ फर्म्स होंगे जो उसकी पूरी रिसर्च करेगी, कि उसको बहुत ही जिम्मेवारी के साथ उसमें उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ जो इस गेम को ऑपरेट कर रही है, कंडक्ट कर रही है, बच्चों को या बड़ों को भी खेलने के लिए प्रेरित कर रही है, तो उसमें ऐसा तत्व ना आ जाए जिसमें हमारे समाज को रेवेन्यू तो मिले लेकिन माइंड के लेवल पर उसकी दुर्गति ना हो। इकोनॉमी को तो बढ़ाना है और इकोनॉमी में शेयर भी लेना है, लेकिन जो भी संस्था इसको सर्टिफाई करेगी, मेरी समझ से शायद ये टू स्टार्ट विथ अगर गवर्नमेंट बॉडी और वो दोनों मिलके उसको कलेक्टिवली करें तो शायद उसको ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे।